पूर्वी दिल्ली के नॉर्दर्न इंजीनियरिंग कॉलेज में सार्वजनिक समाज कल्याण समिति द्वारा शनिवार 5 मई को लाडली सम्मान 2018 का आयोजन किया गया। इस आयोजन में संस्था ने सुप्रसिद्ध फिल्म अदाकारा कविता जोशी को लाडली सम्मान के लिए चयनित किया गया था, लेकिन 5 मई को वह शूटिंग में व्यस्त होने के कारण इस सम्मान समारोह में नहीं पहुँच सकी। इसके लिए संस्था ने 24 मई को माननीय उत्तर पूर्वी जिला उप जिला अधिकारी मनोज द्विवेदी द्वारा कविता जोशी को लाडली सम्मान से नवाजा गया। दरअसल कविता जोशी ने अपने सुप्रसिद्ध कलाकार उत्तर कुमार धाकर छोरे के साथ देश के प्रधानमंत्री की योजनाओं को लेकर राष्ट्रीय अवार्ड हेतु गांव-गांव में जाकर विकास की बहु नाम फिल्म तैयार की है। फिल्म में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के और गांव के विकास के लिए जो जो योजनाएं शुरू की गई हैं उनको लेकर इस फिल्म का फिल्मांकन किया गया है। यह फिल्म देश के प्रधानमंत्री की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना और देश की जनता को उनकी योजनाओं की जानकारी देने में वरदान साबित होगी। SDM मनोज कुमार द्विवेदी ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि संस्था बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है। ये सर्वजन हित समिति जो है इसने पूरे नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में स्त्रियों के लिए लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में और सारी महिलाओं के लिए इनके महिला सशक्तिकरण के विषय में बड़ा उल्लेखनीय कार्य किया है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारी एक उदीयमान अदाकारा उनको सम्मानित किया गया है और मैं उनको भविष्य की बधाई देता हूँ कि आगे समाज में आगे बढ़े और स्त्रियों का नाम रोशन करें। विकास की बहु फिल्म में विकास यानी हीरो का रोल उत्तर कुमार निभा रहे हैं। सुप्रसिद्ध कलाकार के रूप में माननीय उप जिला अधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनको उनकी विकास की बहु फिल्म में की गई बेहतरीन अदाकारी के लिए दिया गया है। सम्मान के बाद दोनों काफी खुश नजर आए और संस्था का आभार व्यक्त किया। बहुत अच्छा लग रहा है और सम्मान मिलना ही तो बहुत ही गर्व की बात होती है, तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी कि मुझे ये लाडली सम्मान मिला है। थैंक यू सो मच। बच्चे का मन नहीं है तो मैं तो ये कहूंगी उसको समझाना चाहिए कि नहीं आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। आप चाहे एक्टिंग फील्ड में है या आप किसी भी फील्ड में है, चाहे आप कभी जॉब करें या ना करें, लेकिन पढ़ाई ऐसी है जो एक ना एक दिन आपके काम आती है और बहुत कुछ आप उससे सीखते हैं। तो बस मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, उसके बाद वो किसी भी फील्ड में जाइए वो उसके बाद की बात है, लेकिन पहले आप उन्हें पढ़ाइए, तो बहुत जरूरी है। तो मैं समिति का और योगेश सोलंकी जी का धन्यवाद करूंगा और साथ साथ धन्यवाद ADM साहब को करूंगा। बहुत ही अच्छे इंसान है, पहली बार मुलाकात हुई है लेकिन काफी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी है और बहुत अच्छे हैं, अच्छा लगा इनसे मिलके। और ऐसे लोग हैं तो समाज में कार्य आगे बढ़ते रहेंगे और जाहिर सी बात है जब कोई सम्मान मिलता है तो बहुत खुशी होती है और एक एनर्जी मिलती है और ज्यादा काम करने की, तो वो बहुत अच्छा है। और मतलब मैं देख रहा हूँ, मैं तो कई सालों से संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, तो ये संस्था गरीब बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रही है और बच्चियों के लिए तो खास तौर से बहुत अच्छा। सिलाई मशीनें भी बांटी हैं मुझे अभी तक याद है और किताबें बांटी हैं और वर्दियाँ बांटी हैं, कंप्यूटर के कोर्स करा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं संस्था इसमें। तो मैं तो संस्था को कहूँगा कि मेरा जितना भी उपयोग हो सकता है वो करें और मैं हमेशा इस संस्था के साथ हूँ। उस फिल्म में समाज की बहुत सारी समस्याएं उठाई गई हैं, ज़्यादातर तो महिलाओं से संबंधित है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जो घरेलू हिंसा है महिलाओं के साथ होती है। और उसमें एक छोटा सा विषय भी और भी उठाया गया है कि जैसे गांव के लोग शादी को किसी खास काम के लिए मानते हैं और उस दिन जाते ही उसकी तरफ अट्रैक्ट रहते हैं, उसमें भी समझाया गया कि ये सब चीज़ें बाद के, पहले हम एक दूसरे को समझें। उसमें जो लड़की ने रोल किया उस और उसके हस्बैंड ने वो चीज़ में वो भी मैंने थोड़ा सा हिस्सा लिया है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। जुलाई जुलाई में हो जाए। उत्तर कुमार ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री की योजना जन जन तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती, उसी समस्या को लेकर फिल्म में काफी अच्छी तरीके से दर्शाया गया है और उसमें एक बहू के माध्यम से उन समस्याओं को उजागर भी किया गया है ताकि लोग फिल्म को देखें तो उनको पता चले कि देश के प्रधानमंत्री ने उनके लिए एवं उनके विकास के लिए कितनी योजनाएं चला रखी हैं। दिनेश सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।